स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। राष्ट्रीय झंडे की जगह तालिबानी फ्लैग लगाने पर विवाद हुआ है। निहत्ते लोगों पर तालिबान लड़ाकों ने चलाई है गोलियां। नॉर्दर्न अलायंस भी उतरा है बगावत पे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे। अभी तक लग रहा था कि जो सत्ता का ट्रांसफॉर्मेशन है, जो सत्ता का स्थानांतरण है, वो आराम से हो गया है, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। आम लोग सड़कों पर हैं और अफगानिस्तान के झंडे को रिप्लेस किए जाएंगे तालिबानी झंडे से, इसको लेकर बगावत शुरू हो गई है। और नॉर्दर्न अलायंस में भी आम लोग, निहत्ते लोग सड़कों पर आ गए। ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जहां तालिबानी लड़ाकों ने झंडा चेंज करने की कोशिश करी है। इन सब अलायंसेस में अफगानिस्तान की जो पब्लिक है, जो वहां की आप कह सकते हैं जन पब्लिक है, लोग हैं, वो सब सड़क पर आ गए हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, नॉर्दर्न अलायंस की ये तस्वीरें हैं। आप देखिए लोग कैसे सड़कों पर हैं और ये आम आवाम है जो तालिबान के खिलाफ अब सड़कों पर आ गई है। और इशू क्या है? इशू ये है, जो झंडा अफगानिस्तान का रिप्लेस किया जा रहा है तालिबानी झंडे से, इसको लेकर विवाद है। और अफगानिस्तान के जो मूलभूत निवासी हैं, जो वहां के बाशिंदे हैं, वो सब सड़कों पर आ गए हैं। जब लोग सड़कों पर आ गए तो तालिबानी लड़ाके जो कि आर्म्स और एम्यूनिशन के साथ हैं, उन्होंने फायरिंग की और भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश करी। और ये वो दृश्य है चौराहों का, जहां पर झंडे बदलने पर विवाद हुआ है और अफगान के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। उनको ये चीज़ मंजूर नहीं है कि अफगानिस्तान का झंडा हटाकर तालिबान का झंडा लगाया जाए।